ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है, और होटल का जो प्राइस है ना, अभी तक जो रोड आप लोगों ने देखा मस्तांग का, ये मतलब अभी पहला वाला पैच था, जो हार्डेस्ट वाला पैच है वो अभी नेक्स्ट 45 मिनट्स है, वो है नेक्स्ट सबसे हार्डेस्ट वाला पैच। ये जो जगह है यहाँ से पूरा जो बेनी शहर है सब यहाँ से ऊपर से पूरा दिख रहा है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से हो गया एक नए दिन की शुरुआत। हम लोग आज यहाँ से निकल के जा रहे हैं मुक्तिनाथ की तरफ। हम लोग है अभी पोखरा में और टाइम हुआ है अभी 7:20 सुबह का। तो अभी हम लोग बाइक स्टार्ट करेंगे और करके निकलेंगे सीधा मुक्तिनाथ की तरफ, और रास्ते में आएगा खुशमा ब्रिज, वो सब भी होते हुए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो हम लोगों ने अभी ले लिया है एक छोटा सा स्टॉप ब्रेकफास्ट वाला, तो ये आज का हमारा राइड का पहला वाला स्टॉप है, और हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो भी अभी आ चुका है, दिखाते हैं आप लोगों को। एकदम गरम गरम पूरी सब्जी और जलेबी, और इधर वे समोसा। तो अभी हम लोग जल्दी से यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, करके निकलेंगे सीधा मुक्तिनाथ की ओर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे खुशमा का सस्पेंशन ब्रिज, जो अभी हम लोगों ने बाइक लेके क्रॉस किया, ये आसानी था, कुछ ऐसा लगा नहीं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा चाय पकौड़े ये सब खाए, नाश्ता किए, मोमो वगैरह, और अभी यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, निकल के जाएंगे डायरेक्ट मुक्तिनाथ की ओर। आज हम लोगों का टारगेट है कि जॉमसन में नहीं रुकना है, डायरेक्ट मुक्तिनाथ तक पहुँचना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और रास्ते का कंडीशन आगे कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना मतलब टूटा फूटा सा रास्ता है, हम लोग थोड़ा सा रुके हैं अभी यहाँ पे, एक व्यू आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है यहाँ से पूरा जो बेनी शहर है सब यहाँ से ऊपर से पूरा दिख रहा है नीचे, और वो सामने है धौलागिरी रेंज। फिर से यहाँ से अभी हम लोग अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे बेनी की तरफ। तो हम लोग रुके हैं ये झरना के साइड में थोड़ा, ये हम लोग का गाड़ी सब रुके हुए है, और ये जो झरना का जो व्यू आ रहा है बहुत ही खूबसूरत, एकदम ऊपर से ये गिरता हुआ आ रहा है सीधा आके काली गंडकी नदी में। ये जो झरना है मतलब ये सब अपर मस्तांग रेंज और धौलागिरी जो रेंज है, ये सब का जो बर्फ़ है, बर्फ़ गलने के बाद जो पानी हो रहा है वहाँ से ये सब आ रहे हैं आके ये नदी में मिल रहा है। नदी जो है नदी भी वही सेम है, धौलागिरी से आ रहा है। हम तो हो गए समा के, ये खाला माप तो होना है वही जब
और अभी हम लोग रुके हैं तातोबानी क्रॉस करके एक जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। और ये काली गंडकी जो नदी है उसके ऊपर में जो पुल है वहाँ पे हम लोग रुके हैं, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। तभी हम लोग रुके थे तातोबानी से थोड़ा पहले, तो हम लोग सोच रहे थे कि जा पाएंगे या नहीं। तभी इसे दादा मिल गए, ये लोग आ रहे हैं हैदराबाद से, ठीक है। तो ये लोग भी हैदराबाद से आज जा रहे हैं मुक्तिनाथ तक, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, इनका बड़ा गाड़ी है तो हम लोग कोशिश करेंगे इन लोगों के सामने सामने धीरे धीरे हम लोग भी पहुँच जाए। तो अभी देखते हैं कितना दूर तक हम लोग पहुँच पाते हैं। तो गाइस वी हैव जस्ट क्रॉस्ड आवर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। मस्तांग में घुसने के बाद से जो मिल रहा था थोड़ा थोड़ा पानी नाला वाला वो नहीं था, फुल्ली एक वाटर क्रॉसिंग टाइप का था, वो हम लोगों ने एक चांस में क्रॉस किया। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. बिगड़ गया यहाँ पे, मतलब पूरा कोहरा हो गया रास्ते में। तो हम लोग देखे अभी जंक्शन तक जाने का कोशिश करना है, मतलब यहाँ पे खतरनाक है रात में वो रास्ते में। तो हम लोग अभी रुक गए थे दाना में, तो आज सुबह अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुक्तिनाथ के लिए। पीछे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बाइक स्टार्ट हो चुका है, और ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। और होटल का जो प्राइस है ना, मतलब हम लोग जो होटल में रुके यहाँ पे हम लोगों को पड़ा पर रूम 500 नेपाली। वही अगर आप मुक्तिनाथ या जॉनसन में जाके रुकते ना, तो वो होटल का प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 2500 नेपाली। तो इट्स ए बेटर एंड चीप ऑप्शन। सो अगर आप लोग ये रास्ते में जा रहे हो और शाम के वक्त हो जाए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग दाना में रुक जाओ, यहाँ पे रुक के सुबह यहाँ से स्टार्ट करो पूरा फ्रेश हो के। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले आप लोगों को दिखा लेता हूँ एक बार होटल का साइड वाला जो नज़ारा है वो। सो दिस वॉज आवर स्टे इन दाना, और यहाँ से जो नज़ारा है भाई साहब वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ऊपर वहाँ पे है स्नो कैप माउंटेन, तो नीचे है ये होम स्टे टाइप का होटल, और इधर है हम लोगों का बाइक जो कि अभी कोल्ड स्टार्ट हो चुका है। और एक नया दोस्त हम लोगों को मिला जो शायद आप लोगों को अभी दिख रहा है, जो पीछे सोया हुआ है। तो कल होम स्टे में आते ही सबसे पहले जिसने हम लोगों का स्वागत किया वो है ये दोस्त, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा और क्यूट सा जर्मन शेफर्ड है, वो यही पे रहता है होटल पे, मतलब क्या बोलूँ, पूरा रात तो इसके साथ खेलते हुए ही बीत गया हम लोगों का। और अभी सुबह हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं मुक्तिनाथ की तरफ। अभी यहाँ से जो राइड है वो आएगा लगभग 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे में हम लोग मुक्तिनाथ पहुँच जाएंगे। उसके बाद वाला जो एडवेंचर है, मतलब अभी तक जो रोड आप लोगों ने देखा मस्तांग का, ये मतलब अभी पहला वाला पैच था, जो हार्डेस्ट वाला पैच है वो अभी नेक्स्ट जो 45 मिनट्स है वो है नेक्स्ट सबसे हार्डेस्ट वाला पैच। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये जो ब्लॉग था ये ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। अगला वाला जो ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मतलब आएगा सबसे हार्डेस्ट वाला जो रोड है मुक्तिनाथ का, वो अगला 45 मिनट का सफ़र, और उसके बाद कैसे हम लोग पहुँचते हैं मुक्तिनाथ तक। तो वो देखने के लिए ज़रूर बने रहिए चैनल में। जो लोग नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो ये वीडियो को देखे पूरा लाइक तो ज़रूर मारना अगर अच्छा लगा, और अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी कमेंट डाउन करके मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में।